कौन क्लास में पढ़ती है? क्लास में वीडियो बना रहा है। बिस्कुट दें बच्चा गुलो बड़ो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भारत सेवाश्रम संघ एक संपूर्ण रूप से एक अराजनैतिक असाम्प्रदायिक धर्मीय सेवा प्रतिष्ठान। इस संस्था के जो प्रतिष्ठाता जो आचार्य श्रीमद स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, जिन्होंने शिव जी के अवतार थे, स्वयं शिव मनुष्य शरीर लेकर के इस धरित्री में आए हैं और मात्र 20 बछर उम्र में उन्होंने सिद्धि प्राप्त किए। सिद्धि प्राप्त करने के बाद उनका मुंह से निकली प्रथम वाणी इस युग की महाजागरण की युग है, इस युग महासमन्वय की युग है, इस युग महामुक्ति की युग है। महासमन्वय महामुक्ति के मार्ग पर सारा देश के लाने के लिए ये संस्था का प्रतिष्ठा किए हैं। और जहां भी बाढ़, भूकंप, दंगा, जो भी नेचुरल कैलामिटी होता है, उसमें पीड़ित मनुष्य के पास सबसे पहले जाते हैं और राहत सामग्री लेकर के ही जाते हैं और आदमी के बीच ये बांट के दे करके सबको शांति और सांत्वना देते हैं। मैं कल सुशील बाबू के घर गए भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षा लेने के लिए कल गए सुबह। उनको कुछ उन्होंने घर में एक चीड़ा का बोरा है, हम देख के बोले ये क्या है। कल हम गए थे बिन्ना कांदी और जो है कैंप हम गए थे वहां जाकर के, वो जो मणिपुर से आए हैं और मिजोरम से आए हैं सबको राहत सामग्री देकर के आए हैं। तो हम पूछे कि उसमें क्या जरूरी है अभी, तो उन्होंने बोला कि ये मोछारी जो है ये जरूरी है। इसीलिए हम कलकत्ता में हेड ऑफिस में फोन किए हैं, हम लोग का सेक्रेटरी ऑल इंडिया वर्ल्ड का जो सेक्रेटरी स्वामी जी हैं विशाखानंद जी महाराज, स्वामी जी को बोले कि आप वहाँ ऐसा ऐसा आदमी का हालत बहुत खराब है जो मणिपुर मिजोरम से आए हैं, उनके बीच में कंबल और मुशारी जो भी देने में उनका बहुत शांति और सुविधा होगा। तो इसीलिए स्वामी जी बोला कि आप तुरंत कीजिएगा, कल ही रात को इस सब मैंने लाए हैं दुकान से और आज आए हैं आपके बीच में। ये आपको रिलीफ मत सोचिएगा,
ये गुरु जी का आशीर्वाद है। प्रणमानंद जी महाराज, ये भगवान है, भगवान आप सबके पिता है, आपको भी पिता है भगवान, तो आपको ये रिलीफ नहीं है। संतान को विपद में है, संतान को कुछ शांति सांत्वना देने के लिए ये भेजा है, ठीक है। ये भगवान का प्रसाद है, प्रसाद स्वरूप आप लीजिएगा। किसी को नहीं लगता है आपका बहुत गरीब है, ऐसा नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी है, इसीलिए हम लोग का श्याम जी का आशीर्वाद स्वरूप ये सामग्री लेकर के आए हैं। आप शांति से आपका घर पहुंचे, शांति से घर रहे, और पढ़ाशुना जो भी सब बच्चा लोग का शांति से कीजिएगा। ये मेरा प्रार्थना है भगवान के पास। ये दंगा, ये समाज का बहुत कष्ट देता है, ये मेरे मन में भी बहुत दुख हो रहा है। ऐसा ऐसा सुंदर सुंदर बहने माताएं इसमें है, कैम में लगता नहीं है ठीक, इसीलिए भगवान और सब राजनीतिविद जो है सबको प्रार्थना है, आदमी का शांति दीजिए, और जीने के लिए जो कुछ है उसको दीजिए। ये ठीक नहीं है, ये सब दंगा हंगामा ये ठीक नहीं है। शांति जरूरी है, सारा देश में शांति जरूरी है। ओम शांति शांति शांति। आप लोग को बीच में कितना आदमी ये भारत सेवा आश्रम संघ का नाम सुना है हम नहीं जानता है, लेकिन देखिए ये पूर्णानंद जी महाराज ये त्रिशूल हाथ में आए, वो 100 साल से थोड़ा कमती होगा, ये भारत सेवा आश्रम संघ का सृष्टि किया था। उसका बाद से पूरा भारत में जितना तीर्थ है सब तीर्थ में उनका मंदिर है, और ये भारत सेवा आश्रम संघ है। भारत सेवा आश्रम संघ ये कोई हिंदू मंदिर नहीं है जो जहाँ में सिर्फ पूजा होता है, इन लोग को मंदिर में पूजा भी होता है। सिलचर जाने से आप लोग देखेगा उसको बोलता है उस जगह का नाम बोलता है बालिनी बिल, वहां में बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स है, उस जगह में मंदिर है, स्कूल है। ये जो बुढ़ा आदमी लोग को हमारा माफिक बुढ़ा आदमी कहाँ में जाएगा, घर में है सब लड़का बच्चा वाइफ के जानी देखेगा कि नहीं लास्ट में, तो हम लोग का रहने का कहिएगा वो उन लोग लेके वहां रखता है ऐसा। तो ये तो हम हमारा अपना बारे में बोला है। तो भारत स्वास्थ्य संघ कोई भी जगह में कोई या नुकसान हो गया, जैसा ये जो अरे दंगा हुआ मणिपुर में जो घटना हुआ उसका, या में अभी मिजोरम में आप लोग था, आप लोग सबका नौकरी था, बिजनेस था, एग्रीकल्चर फार्म था, लेकिन बहुत दुख का साथ बोलने पड़ता, आप लोग सब कुछ छोड़ के मजबूरी के लिए मजबूरी होके ही हमें आए के ऐसा परिस्थिति में आप लोग रहता है। लेकिन भारत सेवा आश्रम संघ जब सुना है जो आप लोग हिया में है ऐसा हिया में है, आप लोग का रिलीफ के लिए ये सब सामान लेके आया। भारत सेवा आश्रम संघ कोई भी जगह में फ्लड होने से भी जाता है, कोई जगह में आग से बहुत बड़ा नुकसान हो जाने से आदमी का बच जाता है, भारत सेवा आश्रम संघ ये अर्थक्वेक होने से भूकंप होने से भी जाता है, सब कुछ यानी वो लोग हेल्प करता है।